हायरकार्ड जो दुनिया का बेस्ट ट्रेनिंग सेंटर है, वहाँ पर हमने ट्रेनिंग हासिल की रोबोट की। उस ट्रेनिंग के लिए जो दुनिया के टॉप के जो सर्जन हैं उनको हायर किया गया था। हम ये चाहते हैं कि गवर्नमेंट ऑफ सिंध हैदराबाद को रोबोट दे और हम रोबोट के साथ सर्जरी कर सकें और हैदराबाद के लोगों की और बल्कि सिंध के पूरे लोगों की खिदमत कर सकें। लियाकत यूनिवर्सिटी अस्पताल हैदराबाद से ताल्लुक रखने वाले मुल्क के मारूफ सर्जन प्रोफेसर अरशद अबड़ो हाइब्रिड रोबोटिक सर्जरी की तरबियत देने वाले आलमी इदारे आईआरकेट से हाइब्रिड रोबोटिक सर्जरी की तरबियत मुकम्मल करके फ्रांस से वापस पाकिस्तान पहुंच गए। उनका कहना है कि अगर सिंध हुकूमत रोबोट फराहम करे तो हैदराबाद से रोबोटिक सर्जरी का आगाज कर सकते हैं। 5 तारीख को मैं स्ट्रासबर्ग पहुंचा था। पाकिस्तान की तरफ से मैंने नुमाइंदगी की थी। वहाँ पर मेरे अलावा 13 सर्जन्स थे जो दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक से आए थे और उन्होंने वहाँ पर रोबोटिक सर्जरी की ट्रेनिंग हासिल की और रोबोटिक सर्जरी में हमने आयरकार्ड जो दुनिया का बेस्ट ट्रेनिंग सेंटर है मिनिमल इन्वेसिव सर्जरी का, वहाँ पर हमने ट्रेनिंग हासिल की रोबोट की। रोबोट को इंस्टॉल करने से लेके और रोबोटिक सर्जरी को इख्तिताम तक किस तरह से किया जाता है उसकी मुकम्मल ट्रेनिंग थी। उस ट्रेनिंग के लिए जो दुनिया के टॉप के जो सर्जन हैं उनको हायर किया गया था। जो 7 फैकल्टी मेंबर थे उनको हर फैकल्टी मेंबर को 2 सर्जन्स को अलॉट किया गया था जो 2 सर्जन्स को ट्रेन कर रहे थे और उनके पास जो दुनिया का बेस्ट रोबोटिक सिस्टम है उन सिस्टम्स को वहाँ इंस्टॉल किया गया था और जिस तरह से ड्राइविंग की जाती है तो उस तरह से एक सर्जन को डेवेंची के ऊपर यानी कंसोल बॉक्स के ऊपर बिठाया गया था और दूसरे साइड पर जो रोबोट था उस पर फैकल्टी मेम्बर था जो उसको गाइड कर रहा था ड्यूरिंग सर्जरी और उसने उसको कंप्लीट सर्जरी जब तक इख्तिताम हुई तो उसकी सर्जरी को वो ऑब्ज़र्व भी कर रहे थे, उसकी थ्योरेटिकल नॉलेज को भी और उसकी प्रैक्टिकल स्किल्स को भी। जब वो प्रैक्टिकल स्किल्स और थ्योरेटिकल नॉलेज कंप्लीट हो गई तो उसके बाद उसको दूसरे दिन उनको इवेल्यूएशन प्रोग्राम किया गया कि वो रोबोटिक को ख़ुद इंस्टॉल कर सकते हैं, रोबोट को ख़ुद चला सकते हैं और रोबोट के ख़ुद ऑपरेशन कर सकते हैं। ये तमाम मराहिल से जब एक सर्जन गुज़रता है तो उसके बाद उसको सर्टिफिकेशन दी जाती है कि अब आप दुनिया में रोबोट चला सकते हैं। रोबोटिक सर्जरी जिसकी इनकार तो काफ़ी साल पहले हुए लेकिन उसमें जो जिद्दत आई है उसमें पहले जो थे उसमें 3 इंस्ट्रूमेंट होते थे। एक उसके साथ कोगुलेशन के लिए डायथर्मी के लगाया गया था, एक सीज़र थी और एक ग्रास्पर था। अब जो रिसेंट मॉडल आए हैं रोबोट के उसमें जो चीज़ें शामिल हैं उसमें वेसल सीलिंग डिवाइस सेट की गई है, स्टेपलर्स जो आंतों को जोड़ने के लिए यूज़ होता है उसको एडिशन किया गया है, इसके अलावा उसके अंदर जो है वो डायथर्मी यूज़ की गई है और 4 आर्म्स को यूज़ किए जाते हैं, 4 आर्म्स। यहाँ ये देखा गया है कि सर्जन के पास 2 आर्म होते हैं यूजुअली जो ऑपरेशन करता है अपने दोनों हाथों से ऑपरेशन करता है, लेकिन रोबोटिक सर्जरी में वो चारों के चारों आर्म एक सर्जन खुद कंट्रोल करता है, उसके लिए आपको सपोर्ट की ज़रूरत नहीं होती है और इसकी जो एफिकेसी है और जो सर्जरी के रिजल्ट्स हैं वो रिमार्केबल रिजल्ट्स हैं। जहाँ पर इंसानी हाथ नहीं पहुँच सकता या लेप्रोस्कोपिक इंस्ट्रूमेंट नहीं पहुँच सकते वहाँ पर रोबोटिक सर्जरी हो सकती है। रिजल्ट्स बहुत अच्छे हैं, तरबियत की ज़रूरत है, बहुत सारे लोगों को इसमें ट्रेंड करने की ज़रूरत है, स्टाफ को ट्रेंड करने की ज़रूरत है। हम ये चाहते हैं कि गवर्नमेंट ऑफ सिंध हैदराबाद को रोबोट दे और हम रोबोट के साथ सर्जरी कर सकें और हैदराबाद के लोगों की और बल्कि सिंध के पूरे लोगों की खिदमत कर सकें। फ्रांस में मैंने उसके रोबोटिक सर्जरी के बाद कोलोरेक्टल सर्जरी का भी कोर्स किया, वह भी एयरकार्ड से किया। उसकी मास्टर क्लास मैंने इस्तांबुल तुर्की से की थी लेकिन उसकी सुपर मास्टर क्लास थी। सुपर मास्टर क्लास में दुनिया की एक्सट्रीम ब्राज़ील से, कोरिया से, जापान से और अमेरिका से, यूरोप से, इंग्लैंड से, ये तमाम फैकल्टी मौजूद थी जो कोलोरेक्टल कैंसर में सर्जरी में कौन सी जेनेटिकल इन्वॉल्वमेंट है उनके साथ शेयर किए गए हमारे रिसर्च को भी जो हैदराबाद में रिसर्च की है और जो सिंध में रिसर्च हो रही है और जो इंटरनेशनल रिसर्च हो रही है और जो रिसर्च हो चुकी है।
कि उसके नुकसान क्या हैं, ऑपरेशन में तब्दीली किस तरह से हो रही है और ऑपरेशन में ऑपरेशन के बाद के रिजल्ट्स कैसे आ रहे हैं, और यूज़ ऑफ ICG जो एनास्टोमोसिस को आंतों को जोड़ने की ICG के साथ टेक्नोलॉजी है वो, और रोबोट और लेप्रोस्कोपी, इन तीनों में से कॉम्बिनेशन करके जो रिजल्ट्स आ रहे हैं फ्यूचर के लिए और फ्यूचर में लोगों को किस तरह से सर्जरी से फ़ायदा होगा उसके ऊपर हमने काम किया है।